उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एक सड़क हादसे में 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा टैंकर की टक्कर लगने से हुआ। हादसे के कारण काफी देर तक जाम लगा रहा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सड़क यातायात को सुचारू करवाया। आपको बता दें कि मैनपुरी और जनपद एटा बॉर्डर पर दावत खाकर एक ही गांव के 3 युवक अपने घर लौट रहे थे। तीनों युवक जनपद एटा के नगला भाजा के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि अचानक बाइक पर सवार एक युवक के पिता का फोन आ गया, जिसके चलते युवकों ने बाइक को खड़ा कर दिया और इस दौरान युवक अपने पिता से फोन पर बात करने में लग गया। तभी गैस से भरे एक टैंकर ने रोड पर खड़े तीनों युवकों को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। जब तक ग्रामीण उनको उपचार के लिए ले जाते, तब तक उनकी घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इसके बाद ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। घटना की सूचना पाकर कुरावली थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद लगभग 1 घंटे बाद जाम को खुलवाकर शवों को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वही घटना की जानकारी मिलते ही गांव में कोहराम मच गया। तीनों युवक जनपद एटा के नगला भाजा के रहने वाले थे, जिनकी 20 से लेकर 23 वर्ष के लगभग उम्र बताई जा रही है। मैनपुरी से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। आप कौन है भाई? अच्छा, ये घटना कैसे घटी थी, क्या क्या जानकारी है? ये जा रहे थे यहाँ से दावत खाने के लिए और जब से ना आए तो बात कर रहे थे अपने पापा से, तो आके पीछे से ट्रक वाले ने चढ़ा दिया। क्या वो जीटी रोड पे? तो ये घटना कहाँ की है बेटा? पथरुआ मैनपुरी और एटा के बॉर्डर पे। वहाँ पे वो क्या टैंकर था? हाँ, ट्रक था। क्या इंडियन पकड़ा गया? इंडियन गैस वाला हमारा थाने में चला गया, पकड़ गया। कहाँ के रहने वाले? बस एक ही गांव के हैं, मगर अलग है ये। अच्छा, तो क्या हुआ था, ये कैसे घटना घटी है? जो ये दावत खा के लौट रहे थे अपने घर, नगला भजा है जो एटा जनपद की सीमा पर पड़ता है जी, और ये घटनास्थल है वो मैनपुरी जनपद का। हाँ, तो कैसे क्या हुआ था बताएगा? मोटरसाइकिल खड़ी करके बातचीत कर रहे थे अपने पिताजी से जी, जिससे से गाड़ी आई, हमने उनसे छोड़ते हैं वही मौके पर ही मौत हो गई। बचा ले गए, क्या कहना, छत में छत हो गए थे। तो आप लोग वहाँ आनंद थाना में पहुँचे? घंटा सा लग गया, दूर वहाँ से 2-2.5 किलोमीटर दूर। क्या क्या नाम थे? मनोज कुमार पुत्र श्री अनार सिंह, उम्र 19 साल जो, कन्हैया लाल पुत्र श्री वासुदेव, उम्र 20 साल जो, और चंद्रशेखर दास। अच्छा, इसमें किसी की शादी भी हो गई थी? शादी किसी अनमेरिड थे, तो फरीदपुर गए थे दाल जी। सर, आज ये एक्सीडेंट हुआ, कहाँ पर हुआ है और कितने लोगों की मौत हो गई है? सर, कहाँ के रहने वाले थे? के यहाँ हुआ, जीटी रोड पे। 3 व्यक्तियों की मौके पर मृत्यु हो गई। तो इसमें सर, ये कहाँ के रहने वाले थे और किधर जा रहे थे? नंगला भला गांव है, थाना मलावन में, वहाँ के रहने वाले थे, अपने गांव से मैनपुरी की तरफ आ रहे थे। तो ये क्या एक ही बाइक पे सवार थे सर? तीनों की थी, तीनों एक ही बाइक पे सवार। तो सर, टक्कर किसने मारी सर? टक्कर किसी ट्रक से हुई, ट्रक के नंबर की अभी जानकारी नहीं। ट्रक अभी तक पकड़ा गया क्या? ट्रक इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं, अभी तक ट्रक नहीं पकड़ा गया। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.